सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर हमारे पास टेक्स्ट के बीच में कोई इमेज है और हम ये चाहते हैं कि उस इमेज की जो पोजीशन है वो अलग अलग जगह पर हम बदल सकें, तो वो हम कैसे करेंगे आज के इस वीडियो में जानेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोज देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक हमारे पास ये इमेज है और इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट है, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए कि इस इमेज को हमको ऊपर ले जाना है, राइट ले जाना है, लेफ्ट ले जाना है, नीचे ले जाना है, मतलब नीचे लेफ्ट या राइट करना है, तो वो उसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस इमेज को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो जब हम इमेज सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद हमको जाना है लेआउट टैब में। ये देखिए यहाँ पर लेआउट टैब हमको मिलता है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो लेआउट टैब में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये पोजीशन का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये पोजीशन का ऑप्शन तभी इनेबल होगा जब इमेज सेलेक्ट होगी। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ से सिलेक्शन हटा दूँ, ठीक है, उसके बाद आप देखिए ये आपको इनेबल नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये कब इनेबल होगा, जब हम इमेज सेलेक्ट करेंगे। तो इमेज जब आप सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए ये इनेबल हो गया। अब बहुत सिंपल है, इस पर क्लिक कर दीजिए और अपनी चॉइस के हिसाब से आप देख सकते हैं कि जहां चाहे वहां पर अपनी जो इमेज है वो ले जा सकते हैं। अगर मैं यहां चाहता हूं, यहां चाहता हूं, या बीच में चाहता हूं कहीं, ठीक है, या ऊपर चाहता हूं, या ऊपर राइट या लेफ्ट चाहता हूं, मान लीजिए मुझे राइट चाहिए, तो बस यहां पर क्लिक किया और इमेज जो है आपके चॉइस के हिसाब से राइट में यहां पर आ गई, ठीक है। इस तरीके से आप इमेज की पोजीशन डॉक्यूमेंट के अंदर अलग अलग जगह पर चेंज कर सकते हैं इस ऑप्शन की हेल्प से।